जय भोलेनाथ दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो की श्रेणी में अगला वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ पाप विमोचनी एकादशी कब है और इसका क्या व्रत कथा है। इस वीडियो में आप देखेंगे भगवान श्री हरि विष्णु माता श्री हरि लक्ष्मी के चरणों में प्रणाम कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप 108 बार जाप करें सुबह शाम। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पे बनी रहेगी, माता लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहेगी। आपके द्वारा किए गए पापों को विमोचन के लिए ये एकादशी की जाती है जिसका नाम है पाप विमोचनी एकादशी। यह एकादशी जो है इस वक्त चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 4 अप्रैल 2024 गुरुवार को शाम 4:16 से शुरू होगी और यह अगले दिन 5 अप्रैल 2024 को दोपहर 1 बजे समाप्त होगी। क्योंकि हम लोग उदया तिथि को ही मानकर किसी भी व्रत या पूजा को करते हैं, इसलिए यह जो अपना पाप विमोचनी एकादशी है इसको 5 अप्रैल को हम लोग मनाएंगे और 6 अप्रैल को आपका पारण होगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं पूजा का क्या है, कब से है। और इस पाप विमोचनी एकादशी के दिन आप सुबह उठिए, भगवान श्री हरि विष्णु को पीला फूल चढ़ाएं, माता तुलसी के चरणों में गेंदा का पीला फूल चढ़ाएं। भगवान विष्णु की कृपा आप पे ज़्यादा से ज़्यादा बनी रहेगी, आपके घर में सुख शांति भी बनी रहेगी। तो इस व्रत का क्या कथा है, आइए जाते हैं व्रत कथा पे। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु, विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो कथा प्रारंभ करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण श्री विष्णु जी से पूछा, हे जनार्दन, इस चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम क्या है, उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मुझे बताइए कि इस एकादशी को करने का क्या लाभ है। तो भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी का नाम है उसका नाम है पाप मोचनी एकादशी। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है, यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस पाप विमोचनी एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप का नाश होता है। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, आप मुझसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं का तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं शिव द्रोहिणी अनंग दासी थी। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव नृत्य गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उनके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दिया।
श्राप सुनकर मंजुघोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि ने पाप मोचनी एकाश्री व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता चेवन में आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर चेवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोष अप्सरा पिशाचिनी देश से मुक्त होकर देवलोक चली गई। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सारे पापों का मुक्ति होना निश्चित है और जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है और उसे किसी और को सुनाता है उसके सारे संकटों से मुक्ति मिल जाती है। तो ये रहा पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। भगवान विष्णु भगवान की जय। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय। ओम उग्रम विग्रम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम विश्वम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।